साकेत तुम भी आ जाओ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आतिफ नंबर और मेरे विलेजट ब्लॉग में आपका वेलकम। आज करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। आज मैं घर में अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ है साकिब और इसके काम चेक करें। साद भी ऐसा है कि मोबाइल चला रहा है। हेलो, उठो चलो, काम जाना है। आज ना घर में दो तीन काम है, मतलब क्या हमारा ना, एक तो ये पंप खराब हो गया, इसे ठीक करवाना है। और उसके बाद कल बताया था ना आपको, हमारी ये बेल नहीं चल रही, इसे भी सही करवाना है। इस बेल को ठीक करवाने के लिए मैकेनिक को लेके आते हैं। भैया की तबीयत खराब है, साथ में लेके जाओगे? नहीं भैया ठीक है, छुट्टी कर लिया, सारा दिन गेम खेल रहा। कब उठे हो तुम? 10-15 मिनट पहले। मुंह नहीं धोया तुमने? नहीं, मुंह धोने के बगैर मोबाइल चलाना शुरू कर दिया है। बुखार उतर गया ना जब। बुखार? वो मम्मा को कहा बुखार है तो छुट्टी कर लूं। काम चेक करें इसके। अम्मी को कहा है कि मुझे बुखार है, अब तंदुरुस्त घूम रहा है, सिर्फ ये बहाने हैं। अब जल्दी जाओ, जाके मुंह हाथ धो के आओ जल्दी। एक तो हमारा पंप खराब है और दूसरा हमारी बेल खराब है, और बेल के अलावा एक और चीज़ भी खराब तो नहीं है लेकिन मतलब उसे सेट करना है। ये हमारी वाईफाई, ये ना जब लगाई थी ये यहीं रखती थी जेल पे, तो ये वहाँ पे लगानी थी, वहाँ पे कोई लकड़ी वगैरह लगा के ना उसके ऊपर रखेंगे, ये सही हो जाएगा। ऐसे मतलब कोई बच्चा वगैरह ना तोड़ दे इसे। फिर चलते हैं, जाके किसी मैकेनिक को लेके आते हैं जो ये चीज़ें सही कर दे। इसे मैंने मुँह धोने के लिए भेजा, लगता है अंदर पक्का ही हो गया। साकिब आ जाओ यार, जल्दी करो। क्या कर रहे हो? कपड़े चेंज कर लिए तूने? अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो चलो चले, जल्दी दरवाजा खोलो। चलो जी आ गए हैं बाहर, तो अब चलते हैं। फिर तो हम आ गए हैं अंकल को लेके, मैकेनिक अंकल को लेके आ गए हैं जिन्होंने पंप ठीक करना है, तो अब पंप दिखाते हैं इन्हें। आ जाए, ये है पंप जो सही करना है, मतलब चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। जाम हुआ पड़ा, जाम किस वजह से, मतलब अंदर कोई बैल? ठीक है अंकल, यहीं ठीक होगा कि इसे लेके जाना पड़ेगा दुकान पे? शॉप पे जी ठीक है, अगर यहीं ठीक करवाएं यहाँ नहीं होगा? नहीं। और एक बैल भी खराब है, ये ठीक करवानी थी। ठीक है, साकिब बैल बजाओ बाहर से। नहीं सीढ़ी तो नहीं है, वो बजा रहा है लेकिन सीडी ले आते हैं फिर। नहीं मतलब शहर से लानी पड़ेगी आप। फिर मोटर ले जाते हैं जब लगाने हैं। चलो ठीक है फिर, इसे खोल लेते हैं फिर। अंकल पंप उतार के ना अपनी शॉप पे लेके जाएंगे, वहाँ जा कर सही करेंगे, कह रहे हैं यहाँ सही नहीं होगा। ये कब तक ठीक होगा? डेढ़ से दो घंटे। अंकल ने पंप खोल लिया, अब दुकान पे छोड़ के आते हैं अंकल को बाइक पे। अंकल को दुकान पे छोड़ दिया, अब चलते हैं वापस घर। वो कह रहे हैं कि दोपहर को आके मुझे ले जाना, या फिर वो खुद कॉल करके बता देंगे, तो चलते हैं वापस घर। अब वापस घर आ गए हैं, तो चलते हैं जाके बाइक खड़ी करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, और फिर एक घंटे के बाद जाएंगे अंकल के पास अपना पंप लेने। जितनी देर हमारा पंप ठीक होता है ना, उतनी देर हम फर्नीचर वाले अंकल को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ पे दीवार पे ना, हमें वहाँ दीवार पे ना एक फट्टी लगा दें जिसके ऊपर हम अपनी वाईफाई वगैरह रख सकें। तो देखते हैं जाके किसी अंकल को, से जाके देखेंगे आप। मैंने तुम्हें कहा कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा काम है, उठ जाओ, तुम बार बार ये पबजी खेलते रहते हो, उठो चले जाओ। जाने जाके अंकल फर्नीचर लेके आने, और लानी अपनी वाईफाई दी फटी जी लिया के लानी है, वो वाईफाई फिर वो उत्ते लग जाएगी, या फिर आप घर अंदरली साइड चलवावे। तो ये फटी देखी है, ये लगाएंगे अंकल वहाँ जाके, इसके चार फेरे ये लगाएंगे कि आके डिवाइस नीचे ना गिरे। तो अंकल कह रहे हैं कि एक घंटे डेढ़ तक बन जाएगी फटी, तो बाद में जो बाद में आके ले जाएं फिर। ठीक है, जो अंकल को कह दिया बनाने का वो बना रहे हैं, तो अब चलते हैं वापस। आपकी जो साइकिल है ना जी, उससे अच्छी साइकिल तो मेरी है। मेरे साथ रेस लगाओगे कि नहीं? मैं आपके साथ रेस क्यों लगा रहा? क्यों? आप हार जाओगे, बेइज्जती हो जाएगी बड़े भाई की। नहीं, मैं नहीं हारता, तुम रेस लगा लो। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता अपने भाई के लिए।
भाई ने कहा था कि 1 बजे आना, लेकिन हमें 1:30 हो गया। हमने सोचा अच्छी तरह फिटिंग वगैरह कर लेंगे, तो अब टाइम हो गया, जाके देखते हैं पंप अपना ठीक हुआ है कि नहीं, तो लेने चलते हैं उसे। तो अब ये ना दूसरे भाई जाके ना हमारी मोटर लगा के आएंगे, पहले वाले भाई ना कहीं काम चले गए हैं। घर हम पहुंच गए हैं मोटर लेके, अब लगाते हैं इसे। पंप हमारा ठीक हो गया, तो अब भाई को वापस छोड़ के आते हैं। भाई को अब दुकान पे छोड़ के अब वापस घर जा रहा हूँ। घर चलते हैं और जाके ना वो वाईफाई वाली जो बनाने को कहा था हड्डी वगैरह, तो उसका पता करते हैं वो कल ने बनाई है कि नहीं बनाई। तो हम आ गए हैं लकड़ी वाली दुकान पे, तो जहाँ से हमने वो फट्टी बनवानी थी। अंकल बन गई है फट्टी? ये है हमारी वो फट्टी जो हमने वहाँ पे दीवार पे लगानी है, जिसके ऊपर वो डिवाइस वगैरह रखनी है। तो ये तैयार हो गई, अब जाके लगानी है बस। घर वापस आ गए हैं, तो यहाँ लगवाते हैं। ये डिवाइस है, इसे अंदर लगाना है घर के अंदर। अंकल उस कोने में लगानी है ऊपर करके, तो उसके लिए कोई चीज आप ऐसे लगाएंगे कि सीढ़ी वगैरह ला दें? हमें सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ी, हमने नीचे ना स्टूल रख लिया, तो उससे बस काम चल गया। हमारा सारा काम हो गया, अब अंकल को वापस इनकी दुकान पे छोड़ने जा रहे हैं। आज सुबह से बस यही काम कर रहे हैं, किसी को ले आ रहे हैं, किसी को छोड़ के आ रहे हैं। लकड़ी लगा ली है जिसके ऊपर हमने अपनी डिवाइस रखनी है, तो अब डिवाइस को लेके आते हैं। ये तार आके मैं तार निकालता हूँ, तो तुम पकड़ के रखना कहीं पीछे ना गिर जाए। तो पहले यहाँ से डिवाइस से तारें निकाल लेते हैं, तो फिर इसे तो ये मैं उतार रहा हूँ, ये पकड़ के रखना तार। ये तार हमने खोल लिया, अब ऐसे ऊपर छत पे लेके जाने हैं। आ जाओ बस ऐसे ही, इधर आओ, बाहर आओ। ऐसे नीचे गिराई ना तार, तो वहाँ से कोई बाइक गुजरेगी तो सारी तोड़ देगी तार। तो अभी इनको उतारते हैं, जाके ना वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमने वो फट्टी लगवाई है। तो अब चलो अपने नए घर में। तो आप इन्हें यहाँ पे लगाते हैं, उनके ना चार्जर पहले निकाल लेते हैं। पहले ये लगा लो इसको, ये चीज ये लग गई। तो ना घर में जहाँ वाईफाई लगाई ना, वहाँ कोई तार नहीं पहुँची, ना ही कोई स्विच वगैरह, तो वहाँ उसे स्विच लगाने के लिए एक लीड चाहिए, वो यहाँ से लेते हैं दुकान से आके। चलो चलते दुकान पे। तो आ गए हम इस दुकान पे, यहाँ से लेंगे लीड और फिर घर चलेंगे। तो लीड हमने ले लिया जो हमने वहाँ लगानी थी। बड़े भाई ये अच्छी बात नहीं है, सारे काम मेरे लिए रखे हुए हैं, आप पीछे से क्या करते रहे इतनी देर? यार वो मेरा असल में टाइम नहीं होता, मैं कॉलेज जाना होता है, वापस आके फिर मैंने सोना होता है, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो ये काम। अच्छा, इसका मतलब ये है जो कॉलेज जाते हैं वो तो फिर सारा दिन घर वालों की बात ही ना मानते होंगे? ऐसा नहीं है, वो असल में सारा दिन वहाँ पे स्टडी मिल जाती, दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता। देखो फिर छोटे भाई को ही सारे काम करने पड़ते हैं। घर हम आ गए हैं, तो जाके ये लगाते हैं वहाँ पे, तो फिर कोई और काम करेंगे। सच में तुम्हारे सारे काम मुझे संभालने पड़ रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है। लीड लेके आ गए हैं, तो आप लगाते हैं इसे। लगाओ। चलो लगाते हैं, मुझे इसके चावल नहीं नजर आ रहे यार, पता नहीं कहाँ चले गए। भाई क्या कर रहे हो? वाईफाई ठीक कर रहे हैं। क्यों खिलाए आपको आइसक्रीम, बताओ जरा। ओए शैतान नहीं करना, मेरी छोटी बहन है। लो जी बहन देख लो, छोटी सी ये मेरी लाडली बहन है, सबसे लाडली। भाई जी मैं भी साथ में चलूंगा। ओए पार्टी चेंज कर लिया, वो आपका भाई उधर जाओ। नहीं नहीं अभी वो आपका भाई है यार। नहीं नहीं अपने भाई की तरफ जाओ, ये मेरी बहन है। पागल के पुड़ियों के भाई, मैंने पहले भी इसका भाई बनाया था। ऐसे मुझे वो वाला भाई पसंद है। कौन सा वो वाला? वो वाला। कौन है वो? इसका नाम क्या है? आतिफ। चलो ठीक है चलते हैं, एक मिनट सफर करो। तो अब चलते हैं आइसक्रीम खाने, चलो ज्यादा चलें। तुम भी बैठो जाके अपनी बाइक पे। चलो वो क्यों?
अब से वो मेरा भाई आज के दिन क्या कहा क्या इसे आज के दिन ये मेरे साथ है पार्टी चेंज हो गई है नहीं नहीं ये मेरे साथ ही जाएगा नहीं मैं वो यात्री के साथ जाऊंगा पक्की बात सोच ली है हाँ चलो ठीक है यार रखो इसे अपने पास आप वैसे आप क्या ना जा रहे खाने में भी आइसक्रीम ही जा रहा था लेकिन नहीं नहीं चलो नहीं चलो हमने नहीं रखना है इसे लेके जाओ अपनी अपनी पार्टी अपने साथ रखो क्या रखना है कि जो ना ऐसे नहीं करना चाहिए ना उधर के रहना ना इधर के चलो चलो ठीक है हम आते हैं तुम चलो चलो फिर मैं इनका कॉलिंग जो आइसक्रीम उनसे ही खा लेना ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूं चलो ठीक है हम यहां रुकते हैं तुम दोनों आइसक्रीम खा के आ जाओ हम मैं तुम दोनों का भाई तुम्हारा आपके दिन और उनका हमेशा चलो ठीक है फिर चलते चलो हम भी आते हैं चलो चलते हैं आइसक्रीम खाने तो ऐसे ना आज के दिन साकब मेरी तरफ हो गया था पार्टी चेंज हो गई थी आज तो आ गए हम आइसक्रीम शॉप पे तो यहाँ से हम आइसक्रीम खाएंगे तो आइसक्रीम का आर्डर लगा दिया है तो आती है आइसक्रीम तो खाते हैं और आप कहाँ भाई जान उधर चलें मैं आपके साथ नहीं नहीं उधर चलें अपने भाई वो तुम्हारा भाई अकेला बैठे यार ये देख लो हमने अच्छा नहीं किया जाओ उसके साथ जाके बैठ तो आइसक्रीम आ गई है वैसे बड़े वाली कही थी लेकिन ये कह रहे थे कि मुझसे नहीं खाई जाएगी तो अब छोटे वाली मंगवाई है ये खाते हैं और तो घर चलते हैं जल्दी चलो तो मैंने आइसक्रीम खा लिया है तो मैं जाके बिल पे करता हूँ तब तक ये अपनी आइसक्रीम खत्म करके आते हैं तो मैंने बिल पे कर दिया लेकिन अभी भी नहीं उठे भाई आ जाओ जल्दी करो चलो चलते हैं साकेत तुम भी आ जाओ हमारे साथ तो ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आने वाले वीडियो देख सकें तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़